तो आ गए हम यूनिवर्सिटी है ना। हाँ सर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो पहली बार अभी इधर आए थे। ड्रीम है? हाँ ड्रीम है सर, एक साल पहले का। ये रुद्वी है, सी इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र। प्रियांशी, सी इज़ फ्रॉम यूपी लखनऊ। और हमारे चंद्रेश, ही इज़ फ्रॉम बिहार। और ये है द हैंडसम हंक इजहार फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, है ना। मैदुल सर को किसी से मिले बिना कैसे तुमने भरोसा कर ली? नहीं सर, वो तो एक विश्वास की बात होती है ना, बातचीत से पता लग ही जाता है। तो मैंने काफ़ी लोगों से, तीन लोगों से मैंने बात की थी राधा, बट मुझे आपका सबसे ज़्यादा बात सही लगी। तो इजहार का अभी सेकेंड ईयर हो गया, इजहार है ना इजहार। तो सेकेंड ईयर तक आपका सफ़र कैसा रहा बेटा? बस अच्छा ही था। काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी अलग अलग जगहों से आए हैं, लाइक वर्ल्ड वाइड में। तो काफ़ी अच्छा था, सबके साथ इंटरेक्शन, पढ़ाई। नॉर्मली इंडियन स्टूडेंट बोलते हैं नहीं, मुझे तो इंडियन स्टूडेंट के साथ ही रहना है। एंड ही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही स्टेइंग विद द डिफरेंट कंट्रीज स्टूडेंट। तो कैसा रहा आपका उनके साथ एक्सपीरियंस? नहीं नहीं सर, एक्सपीरियंस अच्छा था। सारे मतलब फ्रेंडली हैं सबके सब, अलग अलग जगहों से। हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। हॉस्टल अच्छे ही हैं। पहले फर्स्ट ईयर में तो हमें जैसे एक अपार्टमेंट टाइप रूम मिला था जिसमें 3+2 था। इस साल हाफ ईयर तक मुझे सिंगल रूम मिला था। ग्रेट। उसके बाद फिर आई गॉट अ शेयरिंग, डबल शेयरिंग रूम विद अ टर्किश गाय। ग्रेट। ही इज आल्सो इन सेकंड ईयर, माय क्लासमेट। तो वो उन लोगों ने पढ़ाई वगैरह के, कोविड का जब हुआ था तो उन लोगों ने लोगों को एक साथ करा था, जो लोग विदाउट कोविड थे, जिनका नेगेटिव था, टू मेक श्योर कि जो भी मतलब है नेगेटिव वो लोग साथ में रहें ताकि फैले ना ज़्यादा। तो उस वक्त मेरे को एक रूममेट मिला, वरना फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। किचन फ़ायदा क्या क्या है, मतलब फैसिलिटीज़ क्या क्या है इन टर्म्स ऑफ बेड और कबर्ड्स? हाँ, जैसे मैंने वीडियो दिखाया। और हाँ, गर्म पानी और कैंपस के अंदर क्या क्या है? कैंपस के अंदर सर अपना कैफेटेरिया एक है, फिर उसके बाद सब कुछ, सारी फैसिलिटीज़ हैं, कमिन है वहाँ पर, प्ले स्टेशन वगैरह सब है, सब कुछ है। एंड काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लाइक अफ्रीका से, इवन लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, हर जगह से। एजुकेशन क्वालिटी के बारे में सर, एजुकेशन तो खैर अच्छी है ही। आजा दो एजुकेशन तो सर खैर अच्छी है ही यहाँ की। काफ़ी मतलब हाई, अच्छे टीचर्स भी अच्छे पढ़ाते हैं, सारे टीचर्स अच्छे हैं। वो सिर्फ कहने की बात होती है कि टीचर अच्छे नहीं है, वो टीचर अच्छे नहीं, जैसे कफू के बारे में बहुत बोला जाता है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, वो तुम नेगेटिव करेगा ही। मेदुल साहब के ऊपर मुझे अपने से ज्यादा ट्रस्ट हो गया है। आई आज की आपको पैसा नहीं चाहिए है क्या? ही सेड कि साहब मुझे पैसा मांगने शर्म आती है। हाँ, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट इज व्हाट एड्यूराइजन को इसलिए चूज करना चाहिए कि एड्यूराइजन इज इट्स ए कंपनी बट इट्स ए काइंड ऑफ फैमिली। तो प्रियांशी बेटा, क्विक एक छोटा सा फीडबैक चाहिए आपसे। Being a second year student, कैसा रहा आपका experience? Being a girl specially? अच्छा रहा, सब overall अच्छा ही था। जो थोड़ा बहुत यहाँ पे आके जो adjust करना होता है, और जो एक different country में आके जो है वो सब overcome करने का, overall it's good, it's a good experience. Why Kazan Federal is best? Give me 3 reasons. उसका world ranking, then their faculty and उनका जो exposure हमें यहाँ मिल रहा है, it's really really good, recommendable. Yes. एड्युरेजनला मी जे सिलेक्ट केलं ते भरोसा हा कुठेच नसतो, कुठेतरी विश्वास ठेवावा लागतो. आपण जर एक स्टेप विश्वास ठेवला तर समोरचा आपल्याला विश्वास दाखवणार, आणि समोरच्याने विश्वास दाखवला ते आपण जर विश्वास त्याच्यावर नाही ठेवला ना, मग तो झिरो होणार. जी, वन स्टेप तुमच्याकडनं येते, एक स्टेप आमच्याकडनं गेलं तरच तो भरोसा म्युच्युअल कन्सेप्टमध्ये जातो. सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए बेटा. सेफ्टी इज़ रियली वेरी गुड, स्पेसिफिकली हॉस्टल में रहते हैं तो वी डोंट हैव एनी टेंशन रात को सोते वक्त कि कुछ उल्टा सीधा हो सकता है. सो यस, एनी वन यूनिवर्सिटी में भी विदाउट स्टूडेंट आईडी यू आर नॉट अलाउड टू एंटर, सो ऑब्वियसली सेफ्टी इज ऑल्सो गुड. सही है. आज चंद्रेश को देख के आपको लग नहीं रहा होगा कि एक नया कंट्री जा रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा घबराहट सी है, क्योंकि उनको पता है मैदुल सर के बंदे वहाँ पे हैं. वो दुर्गे सर ने तो काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब इजी कर दिया. काफ़ी ज़्यादा इजी कर दिया उन्होंने मेरे को, ऐसा ट्रीट किया बड़े भाई की तरह. मैं सब मतलब सब कुछ करवा दूंगा, वो वहाँ पे है अवेलेबल हर एक. और कहाँ से? रशिया में ही है ना वो? हाँ, रशिया में ही. मैं आपको यही चीज़ बोल रहा हूँ कि ख्याल रखने वाले बंदे आपको कम मिलेंगे, भेजने वाले बंदे हर गली नुक्कड़ में मिलेंगे. तो चूज योर कंसल्टेंट वेरी वाइजली.
तो चंद्रेश, मैदुल सर का सपोर्ट कैसा रहा है? बहुत अच्छा, काफ़ी हेल्पफुल, मतलब किसी बात का कुछ फिक्र ही नहीं है, हमेशा जब भी फ़ोन करो तब भी आप अवेलेबल रहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई मैदुल सर सपोर्ट करेंगे, मेरा अपना बंदा है, और भेजने की बात आए हो और इससे ज़्यादा सपोर्ट क्या चाहिए। जैसे बहुत सारे और कंसल्टेंसी के भी स्टूडेंट हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे, उनको भी देखते हो, उनका सपोर्ट सिस्टम कैसा लगता है, कि उन कैसे डिफरेंशिएट करोगे हमारे कंपनी और मैदुल सर के कंपनी? आपको जब भी फ़ोन करते हैं आप अवेलेबल रहते हो, बाकियों का क्या है ख्याल? मेरे को नहीं पता, लेकिन आपके साथ मेरा पहला सही था, सही था शुरू से लेके अंत तक आप अभी तक मेरे साथ हो, सही था, हमेशा खड़े।